हेलो गाइस, अमन को बैश ब्रोज। तो काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और सुनाएं, कैसे हालात हैं आप सबके? तो द रीज़न बिकॉज वी वांट अपलोडिंग, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो हमारी एक वीडियो को टेकन डाउन किया गया था यूट्यूब की तरफ से, तो उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे क्या वजह थी। तो अब हम दोबारा अपने रूटीन में आ रहे हैं। तो आज का व्लॉग एक डिफरेंट किस्म का होगा। अभी सुबह के तकरीबन 3 बज चुके हैं। अभी सुबह के तकरीबन 3 बज चुके हैं। हम सरगोधा से हमें जाना है आज कोहाट। उसकी रीज़न ये है कि अजान, जो हमारा भतीजा है, उसने कोहाट कैडेट कॉलेज का टेस्ट देना है। तो उसके लिए बिकॉज ऑफ द वायरस उन्होंने जो सैना डेट काफ़ी आगे रखी थी, पहले तो काफ़ी पहले थी, अब रखी है। तो आज हम जाएंगे, तकरीबन सरगोधा से 6 घंटे का सफ़र है। तो लेट्स गो। अजान भी सुबह सुबह सुजी अखों के साथ जाग चुका है। तो अजान, कैसी तैयारी है तेरे पेपर की? साद साहब जो उनसे हैं, इन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया। कहता है मैंने नहीं जाना, तो क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, मौजें कर रहा है घर में, ये आराम से सोएगा। लेकिन अभी देखें, सब 3 बज चुके हैं और हर कोई जो उनसे है ना जाग चुका है हमारे घर में। तो सब रेडी हो रहे हैं। हैं अंडा? ओके। ऑन द रोड नाश्ता हल्का सा करते हैं जी, जब भी सफ़र में होते हैं। अजान तू रेडी है? तू ये बता दे जी। हैं ठीक हो? घड़ी बात पूरी नहीं आ रही। अजान एडी वड्डी घड़ी। वन अदर रीज़न जो हम इतना रेगुलरली पोस्ट नहीं कर रहे थे, वो ये साहब हमारे स्क्वाड में नए ऐड हुए हैं, तो जिसकी वजह से अब ये इसका नाम हम मैंने भी सोचा है कि एडम सैविज की तरह ना थिंग वन रखो। तो ये हमारी थिंग वन है, ये बैश ब्रोज में नई इंट्रोडक्शन है। फिर चलते हैं कोहाट, ये नहीं जा रहा। गाड़ी आ चुकी है, देखें बिल्कुल अंधेरा है अभी। मेरा ख्याल है अजाने भी नहीं हुई। लेट्स सी। पेट्रोल पंप वीरान पड़े हैं। बच्चे आई हो पैने? ये कितों ले आए हो? दूसरा कोई नहीं? छान मारा जी, पेट्रोल को नहीं मिला, लेकिन एट लास्ट खुशाब कहने पे आती है। बड़ी मुबारक हो। अजान मैं भी पहले बड़े पेपर देने जाता होता था कैंट कॉलेज के, हैं तो कैसा महसूस कर रहे हो? नहीं, डर लगा हुआ? नहीं, आंखों से पानी आ रहा है। थैंक यू PSO।
सनराइज देख हो रही है जी। अजान कोहाट 100 किलोमीटर दूर रह गया, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। देख ले सफर कितने है। 8 बज गए हैं जी और सवादी रोड पे हम तकरीबन 1 घंटे से ना कर रहे हैं सफर। देखें जी अद्धी बनी हुई है अद्धी को नहीं, नींद ही नहीं आ रही। अजान बेचारे की नींद खराब हो रही है। बज गए हैं और हम कोहाट के नेड़े नेड़े ला गए हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है 20 किलोमीटर सफर रह गया। कैडिकल कोहाट पहुंच गए हैं, अंदर वॉक करने नहीं देंगे ब्लॉग। तो यजान ने पहन ली हैं माइकल जैक्सन वाले सी यू सून। तो अजान चला गया और पेपर देने अंदर, इन्होंने वैसे मेरा ख्याल है मना करेंगे कि वीडियो ना बनाओ, लेकिन अभी हम इधर सिटिंग एरिया है कैफेटेरिया है उसमें बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि 2 घंटे अब इंतज़ार है। बहुत खूबसूरत सा नस्ल है सही है। अजान पेपर देता है और हम इंतज़ार में लेटे हुए हैं, भाई जान उधर लेटे हुए हैं इधर। लेकिन मौसम शुक्र है इतना बुरा नहीं है, हल्की हल्की हवा चल रही है। तो मेरा ख्याल 12 बज गए हैं, तो आधे घंटे तक उसने आ जाना है। जी पेपर हम वापस जा रहे हैं। अजान कैसा होगा? रेमम प्रॉब्लम है सर। है नहीं सही था। अच्छा भाई, अच्छा कसम चा पास हो पता नहीं। चलो जी अब हम वापस, फिर दोबारा 6 घंटे का सफर है। तो मेरा ख्याल है मैं तो दबा के सोऊंगा। मैं भी चंगा। 4:30 का टाइम है, अभी रुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, वही जो आपके सामने सैंडविच खाए थे बस। चलो जी ये होटल पे रुके हैं, देखते हैं देसी होटल है क्या मिलता है। अजान फिर इतना दूर तुमने सफ़र करवाया है तो बता फिर क्या इधर ही फिर होना है? कैडिकल कोहाट में होना है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा इधर किसी एक बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ, तूने इतने शौक से मास्क पहना हुआ है। बाबा किसे करते हैं? चलो ये जी नूर अवान होटल है, उतार लेते हैं यहाँ का, देखते हैं कितना स्वादी है कि नहीं, पता नहीं क्या बनाते हैं।
खाना खा लिया जी। हाँ हाँ हाँ, मौसम हो गया बड़ा मज़ेदार किस्म का, पता नहीं आपको शायद नज़र आ रहा है कि नहीं, 5 का टाइम है यार। रोटी बड़ी स्वादी है, रोटी स्वादी है जान। प्लान में ट्रक लास्ट हम पहुंच गए घर, अब तकरीबन क्या टाइम 8 बज चुके हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये, और हम सुबह निकले थे तकरीबन 3 बजे, और अब दिमाग बिल्कुल मऊफ हुआ हुआ है। अब सोएंगे और ऐसा सोएंगे ना, आहा, घोड़े बेच के। चंगा जी, अल्लाह दे वाले, अल्लाह हाफिज़।